नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी एनएचएम परीक्षा भर्ती दो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी, इन अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची हुई जारी। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इन अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है यूपी एनएचएम 17,000 पद जो एएनएम स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन के आए हैं। आपको जो है इस चैनल और एक चैनल और है डॉक्टर रामानुज प्रजापति, इन दोनों चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग क्लास के लिए जो है, जो अभ्यर्थी रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, के क्लास प्रयागराज, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा दोस्तों, आप वहाँ से जो है के क्लास की तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत अच्छे से उस क्लास में पढ़ाई जा रही है। चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए है दोस्तों, कल देर शाम में जो है यह नोटिफिकेशन आया है 21 तारीख में, आप यहां पर देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है यह 2900 प्लस संविदा पर जो लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन और STLS इन सब प्रोग्राम की जो भर्ती रही दोस्तों, उनके संबंध में है। आप देख सकते हैं, काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित दिया गया है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। इसका हिंदी वर्जन दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, यह NHM UP के विभिन्न कार्यक्रम के तहत लैब टेक्नीशियन, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, STS और ATLS की 2900 प्लस संविदा रिक्त की भर्ती के संबंध में विज्ञापन 599 SPMU NHM 2021-22 दिनांक 6/1/2022 के संदर्भ में है। कृपया दिनांक 29 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक NTEP वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन और NTEP STLS पदों के लिए SPMU NHM UP में आयोजित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया का संदर्भ लें दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। यह दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपके प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर या तो कोई आवश्यक योग्यता नहीं होने या वेटेज का दावा करने के लिए कोई वांछित अनुभव नहीं होने पर आधारित अस्वीकृत स्थित के संदर्भ में है। मामले में उम्मीदवार जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए अपने दावे के समर्थन में कोई औचित्य प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, तो दोस्तों जैसे आप लोग कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं, जैसे अनुभव प्रमाण पत्र हुआ, EWS प्रमाण पत्र हुआ, OBC, SC, ST, इन सब का अगर प्रमाण पत्र आप लोग करना चाहते हैं, तो वे केवल दिनांक 22/12/2022 से 24/12/2022 तक ईमेल आईडी यह दिया गया है दोस्तों, पर जाकर सहायक दस्तावेज के साथ उत्तर भेज सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के पास अभी भी मौका है लाभ लेने का। जो प्रमाण पत्र आपने नहीं लगाया है उसको इस वेबसाइट पर जाकर जो है, यह मेल आईडी है, इस पर आप पेस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। दूसरी अपडेट दोस्तों यह है, लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट वेट लिस्टेड फॉर स्टाफ नर्स वैकेंट पोजीशन रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन डेट 9/7/2022 एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18/10/2021 स्टाफ नर्स मैटरनल हेल्थ। दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट आई है, जो 2400 स्टाफ नर्स की 2400 पोस्ट जो आए थे दोस्तों, जिनकी परीक्षा हुई थी और 2400 प्लस पोस्ट आए थे, वेटिंग लिस्ट आई है। इन अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। जो अभ्यर्थी फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए थे 2400 में, वो लोग अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को नोटिस देखने को मिलेगा। इसमें पोजीशन के अनुसार दोस्तों इसमें सब कुछ दिया गया है, 24 पेज है टोटल। आप देख सकते हैं SPMU में काफ़ी अभ्यर्थी हैं वेटिंग लिस्ट में, और इसके साथ में लगभग दोस्तों देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं आपको, लगभग 506 अभ्यर्थी SPMU में हैं। नेशनल प्रोग्राम में स्टाफ नर्स के वेटिंग लिस्ट की है दोस्तों, इसमें लगभग आपको दिखा रहा हूँ, लगभग 183 अभ्यर्थी हैं। लास्ट अभ्यर्थी विजय लक्ष्मी चौधरी हैं। और स्टाफ नर्स कम्युनिटी प्रोसेस, इसमें जो है आप देख सकते हैं इतने लोगों की वेटिंग लिस्ट आई है, क्योंकि दोस्तों इसमें से कुछ अभ्यर्थी CHO में भी सिलेक्ट हो गए हैं, 217 लोग हैं इसमें। और चाइल्ड हेल्थ वाले में, चाइल्ड हेल्थ स्टाफ नर्स में
इसमें भी लगभग जो है 80 लोग जो है वेटिंग लिस्ट में हैं। स्टाफ नर्स चाइल्ड हेल्थ NBSU, इसमें लगभग आपको दिखा रहा हूँ लगभग दोस्तों 165 अभ्यर्थी हैं। और स्टाफ नर्स चाइल्ड हेल्थ NRC, इसमें जो है 25 लोग हैं। स्टाफ नर्स चाइल्ड हेल्थ SNCU में 24 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। स्टाफ नर्स NUHM UCHC में 14 लोग हैं। और NUHM UPSC में जो है दोस्तों 25 लोग हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्रोग्राम वाइज वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, जिस प्रोग्राम में जिन अभ्यर्थियों का है वो लोग जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एकदम तैयार रहें, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने इस भर्ती में लगाया था वही करेंगे। सभी लोगों की यह जो है लिस्ट आई हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।